ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। आइए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, कभी भी बाप से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आधा कल्प से भक्त रूप में मांगते ही रहे हो। अगर अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो फिर भक्त और बच्चों में फर्क क्या रहा। फिर बाबा ने कहा, वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है, स्नेही को स्वतः ही सहयोग प्राप्त होता रहता है। अगर तुम चाहते हो कि यज्ञ के कार्य को आगे बढ़ाएं और स्वयं की उन्नति भी होती रहे, तो स्नेही बनो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। फिर आगे बाबा ने कहा, अगर अपने को अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाप दादा तो किसी न किसी रूप से साथ निभाने की कोशिश करते रहते हैं, कभी कभी तो कोई का श्वास निकलने वाला भी होता है, उसमें भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन ही ना लगाने दे, नली को ही निकाल दे, तो फिर बाप क्या करे। बाबा का कहने का भाव ये है कि बाप तो मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले बच्चे थक जाते हैं, कभी कभी तो बाबा का हाथ और साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए आज से ये अटेंशन रखना, सदा बाप दादा और ब्राह्मण परिवार के स्नेही और सहयोगी बनकर रहना है, और साथ में बाप के इस बेहद कार्य में मददगार और वफादार बनना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।